गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है एस कुशल एजुकेशन में। और कल की क्लास में हमने पढ़ा था भिन्न क्या होती है और कौन कौन सी होती हैं। आज करेंगे भिन्न की आगे की क्रियाएं, यानी कि उसमें जमा घटा गुणा भाग। तो अपनी वीडियो शुरू करें इससे पहले यदि अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन अवश्य ही प्रेस कर लेना। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। कल हमने पढ़ा था भिन्न और आज अब करेंगे भिन्न का जोड़ घटा गुणा भाग। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं भिन्न जब होंगी तो भिन्नों में हम जोड़ कैसे करेंगे। तो यहाँ कुछ हम लिख लेते हैं। तो देखो यहाँ पे होगा, मान लें हमारे पास है 1/4, 3/4, 6/4। तो इनका हम जोड़ कैसे करेंगे? इनका जोड़ करेंगे बिल्कुल सिंपल तरीका है, क्योंकि इनमें सभी में हर यानी कि डिनोमिनेटर इक्वल है तो ऊपर ऊपर वाले को हम जोड़ देंगे, जो अंश है उनको आपस में जोड़ लेंगे। इनका सम हम करेंगे 1 + 3 + 6 और बटे में 4। 1 + 3 = 4 = 10 = 10/4। इसका तो सिंपल हो गया, जिनके हर समान हो उनके सभी अंश को हम जोड़ देंगे और हर को एक ही बार यहाँ पे लिखेंगे। ये नहीं कि चार बार लिख देंगे, तीन है तो तीन बार लिखेंगे, सिर्फ एक बार। ये तो होता है जब इनके हर एक जैसे हो, लेकिन आगे हमारे पास संख्याएं ऐसी भी आएंगी, ऐसी फ्रैक्शन आएंगी जिनके हर इक्वल नहीं होंगे। तो देखते हैं एक उदाहरण हम यहाँ पे। मान लिया हमारे पास ये है, तो यहाँ पे दो के तो इक्वल हैं लेकिन एक का इक्वल नहीं है। तो ऐसी जब अपने पास फ्रैक्शन होंगी उनका हमें एडिशन या सब्ट्रैक्शन करना होगा, तो हमें निकालना होगा इनका एलसीएम, लघुत्तम। किनका? जो भी अपने डिनोमिनेटर हैं, जो अपने हर हैं, उनका हमें लघुत्तम समापवर्तक एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो लघुत्तम समापवर्तक कैसे निकालेंगे? यहाँ पे हम करते हैं, यहाँ पे कर रहे हैं 5, 3 और 5, ये संख्याएं हमने लिख ली और हम इनका भाग विधि से करेंगे। तो अब यहाँ पे हम डिवाइड किससे करें? डिवाइड हम करेंगे सबसे छोटी संख्या और दो या दो से अधिक जिसको भाग कर सके, मतलब जो संख्या हमारे पास हैं उनको में से या तो दो को भाग करता हो या दो से ज़्यादा को हो और सबसे छोटी भी हो। तो अब अपने पास क्या है? 3 1 है, ये 2 बार है। तो अगर हम सबसे पहले, सबसे छोटी संख्या तो 3 है ना, 3 से यदि हम करते हैं तो 3 का तो 3 ही आ जाएगा। एक ही संख्या को भाग कर पाएगी 3 को, अगर हम 3 से ही भाग करते हैं यहाँ पे शुरू में तो एक संख्या को भाग करेगा वो, लेकिन हमें ऐसी लेनी है कम से कम 2 को करे। अगर 2 हो ही नहीं फिर तो हम 1 को कर लेंगे, लेकिन 2 हैं हमारे पास तो यहाँ हम डिवाइड करेंगे 5 से। 5 1 = 5, अब 3 डिवाइड नहीं होगा 5 से, इसलिए 3 और 5 1 = 5। अब यहाँ पे 3 से कर लेंगे हम, अब एक ही संख्या बच गई हमारी 1, 3 1 = 3। नीचे हमें ये इनके आंसर लिखने होते हैं, ठीक है। तो अब एलसीएम क्या आ गया अपने पास? एलसीएम आ जाएगा 5 × 3 यानी कि 15। चलो हम यहाँ पे लिखते हैं भाई 15 एलसीएम हम यहाँ नीचे लिखेंगे। अब क्या करना है ध्यान से देखो, जो भी अपना न्यूमरेटर है यानी कि हर है, हर से हम डिवाइड करेंगे जो हमारा लघुत्तम आया है उसको। तो 5 का पहाड़ा वहाँ तक पढ़ो कि 15 आ जाए, 5 × 3 = 15। तो 3 को हम यहाँ लिख देंगे। अब जो हमारे पास अंश है, जो हमारे पास है उस अंश को गुणा करेंगे, ये हो गया हमारे पास, ब्रैकेट बंद कर लेंगे इसको। अब अगला नंबर लेते हैं 3। 3 का पहाड़ा वहाँ तक पढ़ो कि 15 आ जाए, 3 × 5 = 15। तो 5 जो उत्तर आया है वो हम यहाँ रखेंगे और फिर जो भी हमारा अंश है, जो न्यूमरेटर है उससे हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसका न्यूमरेटर 3 वाले जो फ्रैक्शन है उसका क्या है? 2,
यहाँ हम दो से गुना कर देंगे, इसको भी ब्रैकेट में बंद कर लेंगे। ब्रैकेट हम सीख चुके हैं ना। आगे पाँच का पहाड़ा कहाँ तक पढ़ेंगे कि 15 आ जाए, तीन, तो तीन, और गुना में जो इस फ्रैक्शन के अंश की जगह पे जो है, इसका जो अंश है उससे, तो तीन गुना चार, इसको भी हम ब्रैकेट में दे लेंगे। तीन एकम तीन, पाँच की और दो की गुना, पाँच दुनी दस, कितनी ही बड़ी संख्या यहाँ पे होगी ना, उसको हम पहले एक संख्या बनाएंगे, और तीन की और चार की गुना, इनको ऐसे गुना करेंगे हम, तीन चौक 12 है, लघुत्तम है वो साथ रहेगा, जोड़ लेते हैं इसको, 10 3 13 और 12 25, 25 बटा 15। तो पहले तो ये बताएं कि ये हमारी भिन्न उचित भिन्न है या अनुचित भिन्न है। ये अनुचित भिन्न है क्योंकि इसमें अंश बड़ा है। उचित भिन्न वो होती है जिसमें अंश छोटा हर बड़ा, ये अनुचित भिन्न है। अब इसको हमें यहाँ तक सवाल कर दोगे तो ठीक है, लेकिन हमें आना चाहिए मिक्स फ्रैक्शन में बनान, मिश्रित भिन्न इसकी कैसे बनाएंगे वो भी साथ देखते हैं। तो अब क्या करेंगे कि 25 को हम 15 से भाग देंगे, जो अंश है उसको हर से भाग देंगे। यहाँ हम करके देख लेते हैं, 25 और इसको 15 से भाग दो, 15 एकम 15, बच गए 10। अब 15 ज़्यादा है, नीचे रिमाइंडर जो हमारा है शेष है वो 10 है, तो ये भाग नहीं होगा। अब हमारे पास यहाँ पे देखो पूर्णांक क्या आ गया, एक, एक पे पूरा पूरा गया है ना ये, और नीचे जो शेष बच गया इसको हम लिखेंगे यहाँ ऊपर, और बटा जिससे हम भाग कर रहे हैं यानी कि जो हमारा एलसीएम है 10/15, ये हो गई अपना आंसर। ये हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में इसको निकाल दिया है, जितने भाग करने पे जो हमारा यहाँ पे उत्तर आ जाता है वो अपनी यहाँ पे एक सही बोलते हैं सही, और अंश बन जाएगा जो हमारा रिमाइंडर है जो शेष बचा है, और जिससे हम भाग कर रहे हैं वो यहाँ हर की जगह पे आ जाएगा। आया कुछ समझ में? चलो एक सवाल हम और लेते हैं, दो अंकों का करें चाहे हम चार का करें, चाहे दो का करें, चाहे छः का करें, पैटर्न सब में एक जैसा ही है। और यहाँ पे हम ले लेते हैं 1/2। अब हमने ये संख्या ले ली, अब इसको पहले तो ये देखो कि रिमाइंडर एक जैसे हैं नहीं हैं, अलग अलग है ना, एक किसी का 6 है, इसका 2 है, इसका 4 है, इसका 2 है, एक जैसे नहीं है, इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसका एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो पहले हम इनका निकालते हैं एलसीएम, 2 ठीक है, ये 2 इससे पहले था, ये बाद में लिखा गया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो कि हम ऐसी छोटी संख्या से छोटी संख्या से, जिसे या तो दो संख्या इनमें से 4 हैं तो इनमें से 2 भाग हो जाएं, या 2 से ज़्यादा हो जाएं, तो 2 से करेंगे हम। 2 एक ऐसा अंक है जो 6 को भी कर देगा, 2 को भी 4 को, सबको ही करेगा ये, तो 2 से हम भाग करेंगे। 2 का पहाड़ा पढ़ो कि 6 आए, 2 × 3 = 6, जो उत्तर आया है वो हम यहाँ रखेंगे। इसके बाद 2 का पहाड़ा पढ़े कि 4 आए, 2 × 2 = 4, 2 × 1 = 2 और 2 × 1 = 2। अब यहाँ पे बच गया हमारे पास 1, तो सभी से भाग होगा, 1 तो 1 से जाएगा ही, इसकी कोई कीमत नहीं रहेगी यहाँ पे। यहाँ हम 3 और 2, तो 3 से भी हमें डिवाइड करना है, 2 से भी करना है, तो पहले मैं 2 से करूँ या 3 से करूँ, 2 से करूँगी ना, छोटी संख्या से करना है हमें। 2 के टेबल में 3 नहीं आता, तो 3 को हम एज इट इज यहाँ पे लिख लेंगे, और 2 × 2 ये भी 1 और 1। अब फिर 3 से कर लेते हैं, 3 × 3, और ये तो सारे पहले ही 1 1 आ चुके हैं, तो यहाँ पे एलसीएम क्या हो जाएगा, 2 × 2 × 3, 2 × 2 = 4, 4 × 3 = 12, यहाँ यहाँ वाली संख्याएं हमें ले लेनी है।
इन सब का एलसीएम हमारे पास आ गया है 12, 12 आ गया। अब क्या करेंगे, अब ये देखेंगे कि जो पहले हमारी फ्रैक्शन है उसका हर को हम वहाँ तक पढ़ेंगे कि यहाँ एलसीएम है वो आ जाए, तो 6 का पहाड़ा पढ़ेंगे कि 12 आ जाए, 6 दूनी 12, दूनी 2 पे गया ना, तो यहाँ हम लिखेंगे 2 और अब करेंगे गुणा का साइन। तो गुणा क्या करना है, जिस फ्रैक्शंस को हम ले रहे हैं उसके अंश को हम गुणा करेंगे, तो ये इसका अंश हो गया 3, ठीक है। तीन इनको हम ब्रैकेट में देंगे, अब आगे प्लस का साइन है प्लस लगा दिया, 2 का पहाड़ा पढ़ो कि 12, 2 6 12, तो 6 लिख देंगे गुणा में, जो इसी फ्रैक्शन का अंश है, अंश कितना है 4, और इसको हम ब्रैकेट में लिख देंगे। आगे क्या साइन है, जमा, तो इसको कैसे करेंगे, 4 का पहाड़ा पढ़ेंगे कि उसमें 12 है, 4 3 12, 3 गुणा 5 जो कि अंश है, फिर इसको ब्रैकेट में देंगे, आगे फिर जमा का साइन, और 2 का पहाड़ा पढ़ो कि 12 आ जाए, 2 6 12, और गुणा में इसका अंश, अब क्या करना है, जो भी ब्रैकेट के अंदर है इनके गुणा करके 1 बना लेंगे हम, तो क्या होगा, 2 3 6 6 4 24, जमा का निशान, 3 5 15, जमा का निशान, और फिर 6 1 6, और सभी के बटे में आ जाएगा 12, क्योंकि 12 हमारा एलसीएम है। अब हम इनको जोड़ लेंगे, जो भी अपना जोड़ आएगा, 6 में 24 जोड़ेंगे 30, 30 और 15 45, 45 और 6 51 बटे 12। अगर कोई सीधा ऐसे नहीं जोड़ सकता तो यहाँ ऐसे भी कर सकता है, 6 24 15 और 6, इस तरह भी जोड़ सकता है, ठीक है, जोड़ लोगे। अब यहाँ पे ये कैसी फ्रैक्शन आ गई, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आ गई, क्योंकि इसमें अंश बड़ा है, अनुचित भिन्न है, इसको हमें मिक्स फ्रैक्शन बनानी है, तो इसके लिए क्या करेंगे, 51 को हम 12 से भाग दे देंगे, तो चलिए भाग करके देखते हैं, 12 का पहाड़ा पढ़ो, या तो 51 आए या उससे थोड़ा कम आए, 12 4 48, क्योंकि 12 5 करेंगे तो 60 हो जाएगा, इसलिए 12 4 48, इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, 1 में से 8 जाएगा नहीं, तो यहाँ से हासिल लेंगे 11, 11 में से 8 गए 3, इधर इसमें से 1 ले लिया था तो 4 बच गया, और 4 में से 4 जाएगा तो 0, तो शेष हमारा क्या बच गया, 4। अब इस फ्रैक्शन को हम कैसे लिख लेंगे, जो भी पूरा पूरा हमारा भाग गया, जो हमारा उत्तर आया है भाग में, पूर्णांश है 4, जो अपना शेष है, जो रिमाइंडर है, रिमाइंडर को हम लिखेंगे ऊपर, ये चीज बीच में आती है हमेशा, और नीचे जो अपना एलसीएम है जिससे हमने डिवाइड किया है, डिवाइड मिश्रित भिन्न बनाने का फार्मूला अपने पास यही है कि जो अंश अगर बड़ा है तो अंश को हम भाग देंगे, और भाग करने के बाद जो उत्तर आएगा वो तो पूर्णांश हो गया, बीच में आ जाएगा, और रिमाइंडर उसके बटे में जिससे हम भाग कर रहे हैं, ठीक है, कर सकोगे, थैंक यू।